अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ये चीज़ बताना कि आप नेटवर्क की स्पीड कैसे टेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे जिस कंट्री में भी हैं और जौन सा भी नेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड किस ऐप के थ्रू या किस मेथड से आप चेक करेंगे, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो काइंडली वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल पर जो नए हैं उसको आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाले वीडियो आपको मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्पीड टेस्ट, तो आपको यहाँ पे ये ऐप मिलेगी स्पीड टेस्ट बाय ओकिया के नाम से। ये काफ़ी मशहूर ऐप है, ये देख लें, मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये खड़ी है ये वाली, इस तरह का आइकन होगा इसका, इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा वाईफाई ऊपर ऑन है, एक्टिव है, तो मैं ये गो पे करता हूँ, ये फाइंड सर्वर कर रहा है, नीचे जैज़ मेरा नेटवर्क है, ये मुझे बताएगा कि जैज़ की नेटवर्क स्पीड इस वक्त क्या आ रही है। पहले बताएगा कि डाउनलोडिंग स्पीड क्या आ रही है और फिर बताएगा कि अपलोडिंग स्पीड क्या आ रही है। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपके नेटवर्क स्पीड कितनी है। पिंग भी बता देता है कि 35 MS इस स्पीड से आपका नेट कवरेज आ रहा है। ये देख लीजिए, मेरा वाईफाई कनेक्टेड है, जैज़ का वाईफाई नेटवर्क है, ये आपको नेटवर्क स्पीड बताने जा रहा है। पहले डाउनलोडिंग स्पीड बताने जा रहा है, इसके बाद अपलोडिंग बताएगा। ये देख लें, 4.79 MB, इसके मुताबिक मेरी एवरेज स्पीड आ रही है वाईफाई की, क्योंकि सिग्नल थोड़े वीक है, मैं दूर खड़ा हूँ। और अपलोडिंग स्पीड देख लें मेरे, हाँ, 0.67, 0.71 इस तरह की आ रही है। फाइनल रिज़ल्ट एवरेज क्या निकालता है, ये 0.71 के नाम से ये आ गई। डाउनलोडिंग स्पीड 4.79, अपलोडिंग स्पीड 0.71। तो अब मैं करूँगा वाईफाई को ऑफ़ और मोबाइल डाटा को ऑन रहने देता हूँ। ये भी मेरे पास जैज़ का ही नेट है, तो अब चेक करते हैं कि क्या है, क्योंकि वाईफाई के सिग्नल वीक आ रहे हैं, मैं थोड़ा दूर खड़ा हूँ, डिस्टेंस पे हूँ, तो इसी वजह से यहाँ पर स्पीड देखें फ़र्क आएगा यकीनन। ये देख लें, अब डाउनलोडिंग स्पीड देखें 13 point something है, वहाँ थी 4 point something, तो काफ़ी डिफरेंस है। ये सिर्फ ये है कि वाईफाई से जितना हम दूर होते जाते हैं तो स्पीड यकीनी बात है कि कम होती जाती है, और मोबाइल डाटा पे सिग्नल वगैरह सही हैं थोड़े। और ये देख लिए, अपलोडिंग स्पीड भी ज़बरदस्त है। तो इससे आप अपने नेट की स्पीड मेजर कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में हों, आपकी वोडाफोन है, एयरटेल है, जौन सी भी कंपनी है, आप इंग्लैंड पर जिस भी कंट्री में हैं, पाकिस्तान में हैं, जौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, टेलीनार, यूफोन, जो भी हो, तो इससे आप मेजर कर सकते हैं अपने नेटवर्क की स्पीड, किसी भी नेटवर्क की स्पीड, चाहे वो वाईफाई हो, चाहे वो मोबाइल डाटा हो, इस तरह से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।